दोनों झंडे, चलो आपने दिखाया कि रैली में आए हैं, अब ये देखो आपकी ये दोनों झंडे अगर एक हो जाएं, ये दोनों नेता एक हो जाएं, जिनके झंडे मेरे हाथ में लग रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है लहरा दीजिए, कुछ बचेगा ही नहीं, लहरा रहे ना, लीजिए लीजिए, ये दोनों नेता अगर एक चुप हो जाए। इन दोनों झंडों में आप क्या देख पा रहे हो, क्या ऊर्जा, क्या इन दोनों झंडों में मैं एक चार बार की मुख्यमंत्री का अनुभव देख रहा हूँ और भोपाल को, दिल्ली को, किसी भी प्रदेश को जाम करने की ऊर्जा देख पा रहा हूँ, यहाँ लगे हुए हैं। इन दो झंडों के साथ साथ हमारे समाज के और भी पॉलिटिकल लीडर हैं। मेरा सबसे निवेदन है कि 2024 के इलेक्शन तक आपस के मतभेद भूल के आप एकजुट होकर, दुश्मन बहुत मजबूत है, वो अपनी विचारधाराओं को बहुत मजबूती स्थापित कर रहा है। मैदान में बहुजन नेताओं को एक कंधे के लिए फिलहाल बात करेंगे। सर कितना किलोमीटर चल रही है आप? मेरा सफर मुझे ऐसा लगता है कि करीब करीब हम लोग 900,000 किलोमीटर चल रही है अभी, 1000 किलोमीटर। हाँ, क्या देखा आपने, आप एक आंदोलन लेके चल रहे हो, कुछ मायावती और चंद्रशेखर गाय कैसे कर पाओगे आप? देखो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष सफल जरूर होगा, क्योंकि हमारा आंदोलन सच्चा है और ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिखरे हुए लोग शासक नहीं बन सकते हैं, तो उनको एकजुट करने के लिए किसी को तो जमीन को उतरना पड़ेगा। आज सड़कों पे आप घूम रहे हो, इतना दूरी तय कर ली, कुछ बदलाव दिख रहा है आपको? बदलाव दिख रहा है ना, बदलाव इसलिए दिख रहा है, यहाँ पे अभी मैंने एक झंडा देखा, इधर शांत हो जाओ शांत, यहाँ इस रैली के अंदर भीम आर्मी के भी लोग हैं, बसपा के भी लोग हैं और ये जो नजारा हम लोग बनाना चाहते हैं, जो माहौल हम लोग बनाना चाहते हैं वो बन रहा है, और जब नेताओं को दिखेगा कि हमारे कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता एकजुट होना चाहते हैं तो हम लोग जरूर कामयाब और सफल हो जाएंगे। लगता है आपको सफल हो जाएंगे? हाँ क्यों नहीं होंगे, जब हम लोग संघर्ष कर रहे हैं तो किसी का संघर्ष जाया थोड़ी जाता है, वो सफल होगा, जरूर होगा। अच्छा मैं आपकी वीडियो में कमेंट देख पा रहा हूँ, आप दलाल हो, दलाल हो, किसके दलाल हो आप? ये दावा किया जा रहा है लोगों द्वारा, किसका दलाल बता रहे हैं? ये वीडियो में किया जा रहा है कि ये किसी आजाद समाज पार्टी की तरफ से उतारा गया मैदान में, या बसपा की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से? अच्छा मतलब अभी वो खुद ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं बसपा का दलाल हूँ या बसपा का दलाल हूँ या समाजवादी का दलाल हूँ, कमेंट में देख पा रहा हूँ आपके। देखो जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, मैं उनको ज्यादा तो कुछ कहना नहीं चाहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा ये वो लोग हैं जो कभी समाज के लिए काम तो करते नहीं है और अगर कोई करने उतर भी जाता है तो उनको ये लोग करने नहीं देते हैं। देखो अगर दलाल वाली बात है बहन जी, मैं तर्क देता हूँ, बहन जी मुझे क्यों उतारेगी मैदान में? बहन जी तो अगर एक बार में चाहेगी तो सारे नेता एकजुट हो जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद जी अगर मुझे मैदान में उतारते तो मैं, आप जितने भी लोग कार्यकर्ता और संगठन के लोग, वो सारे लोग एकदम आ जाते, नहीं आए ना। सच बात यह है कि अभी वर्तमान समय में ना मेरे पास किसी का सपोर्ट है और ना कोई मुझे कोई ऐसा विरोध कर रहा है, वो निजी कमी है। मुझे आरोप प्रत्यारोप यार, आरोप प्रत्यारोप किसको नहीं हुआ बताओ, बाबा साहेब अम्बेडकर ने समाज का काम किया, इसी आगरा के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, कि मुझे मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। माननीय कांशीराम साहब को समाज के लोगों ने काले झंडे दिखाए लेकिन आज दुनिया उनको पूज रही है। अब यहाँ पे ये नहीं है कि मैं उनको अपने आप से तुलना कर रहा हूँ। 24 के चुनाव के बाद मुझे लगता है कुछ बचेगा नहीं अगर आप आ रहे हो। यार विशाल तुम भी मुझे बताओ कि क्या मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद, इन दोनों की पॉलिटिक्स इन दोनों के बिना कामयाब हो सकती है क्या? यार पूरा समाज ये चाहता है कि ये दोनों नेता एकजुट हो जाएं। इस मांग को मुझे ऐसा लगता है कि समाज का प्रत्येक कार्यकर्ता जो बहुजन आइडियोलॉजी के साथ काम कर रहा है, जो अम्बेडकर मूवमेंट में काम कर रहा है, वो सब लोग ये चाहते हैं कि माननीय बहनजी और चंद्रशेखर आजाद ये दो नेता 2024 के इलेक्शन से पहले साथ आया तो हम एक बहुत बड़ा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं, अन्यथा स्थिति वो जीरो की ओर जा रही है। नहीं बता नहीं, गठबंधन ने दोनों नेताओं को नकार दिया है, अभी किसी को नहीं बुलाया, आपने देखा होगा क्या वजह रही है। यार एक बात बताओ ना, बिखरे हुए लोगों को कौन एक्सेप्ट करता है, बिखरे हुए लोगों को कौन अपने साथ लेता है? आप इस देश के अंदर, मैं कह रहा हूं कि आप लिख के ले लो माननीय बहन जी चंद्रशेखर आजाद साथ आ जाए तो इंडिया जैसे गठबंधन नतमस्तक होंगे इन दोनों नेताओं को साथ देने के लिए। अगर ये दोनों एक साथ आ, बिल्कुल अगर ये दोनों एक साथ आ गए तो मुझे ऐसा लगता है, लगता ही नहीं है, मेरा यकीन और पूर्ण विश्वास है कि ये जितने गठबंधन बन रहे हैं ना
इन सब लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि दोनों नेता हमारे गठबंधन का हिस्सा बन जाए। आपके कितने प्रयास आपने किए, मतलब कोई प्रयास किया संपर्क साधने किसी से? देखो संपर्क साधने की बात ऐसी है, अभी मैं बहन जी के पास चला जाऊं तो मुझसे बहन जी क्यों मिलेंगी? मैं अभी और किसी नेता के पास चला जाऊं वो कहते हैं हाँ मैं तो होना चाहता हूं एक, तो मैं कैसे बहन जी को उन तक लेके आ जाऊं कि हाँ एक हो जाओ? अभी पहले आप जमीन मारी। पहले मैं जमीन पे जाके नौजवानों को कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कि क्या जमीन पे समाज भी इस मांग को चाहता है या नहीं चाहता है, और जब हमें ये एहसास हो जाएगा कि हाँ जिस चीज पे मैं चाहता हूँ समाज भी जमीन पे उस चीज को चाह रहा है, तब हम बड़े लेवल पे अपनी चीजों को लेकर तमाम प्रत्येक नेताओं के यहाँ जाएंगे। आपने जो बीड़ा उठाया है, ना आप पे संसाधन है, ना कुछ है, ना गाड़ी भी नहीं है तो आपको किराए, तो आप किस तरीके से मंजिल तक पहुंचा पाओगे? यार ये बताओ 6000 सालों से जो समाज गुलाम था उसको डॉक्टर अम्बेडकर ने कैसे स्थापित किया? कैसे? क्योंकि उनके पास दृढ़ संकल्प था, उनके पास कुछ कर्ज गुजर जाने की क्षमता थी, उनके पास संसाधन नहीं थे, उसके बाद भी 32 डिग्रियां हासिल की ना, उनके पास कुछ भी नहीं था जब नई बाल भी नहीं काट रहा था, सारी चीजें नहीं थी, उसके बाद भी वो उस स्थिति में आया कि उन्होंने भारत देश का संविधान लिखा। तो आज अभिषेक के पास तो फिर भी इन नौजवानों का प्यार है। ये दोनों झंडे चलो आपने दिखाया कि रैली में आए हैं, अब ये देखो आपकी, ये दोनों झंडे अगर एक हो जाए, ये दोनों नेता एक हो जाए जिनके झंडे मेरे हाथ में लग रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है लहरा दीजिए, कुछ बचेगा ही नहीं, लहरा रहे ना, लीजिए लीजिए। ये दोनों नेता अगर एकजुट हो जाए, इन दोनों झंडों में आप क्या देख पा रहे हो, क्या ऊर्जा, क्या इन दोनों झंडों में? मैं एक चार बार की मुख्यमंत्री का अनुभव देख रहा हूँ, और भोपाल को, दिल्ली को, किसी भी प्रदेश को जाम करने की ऊर्जा देख पा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब अनुभव और ऊर्जा एकजुट हो जाएगी तो किसी भी चीज की आवश्यकता समाज को नहीं पड़ेगी। ये लहराओ, लो झंडे पकड़ो, इसके पास बहुत अच्छे, बहुत अच्छे लोग। आप संगठन बनाओगे? मुझे ऐसा लगता है संगठन नहीं, मैं समाज को तोड़ने नहीं आया हूँ यार। एक 22 साल का नौजवान क्या संगठन बनाएगा, क्या पार्टी बनाएगा, उसके पास पार्टी संगठन बनाने को आखिर है क्या? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है यार, बहुत सिंपल सा आदमी हूँ, व्यक्ति हूँ, समाज को जोड़ने का एक प्रयास कर रहा हूँ, निकल गया हूँ मैदान में, बस कोई संभावना नहीं है कभी बनाने की। नहीं नहीं, आपका देश में नाम तो यही है, बना नहीं। संगठन समाज के बहुत है, भीम आर्मी इतना अच्छा संगठन है, हम क्यों इतने संगठन बने हुए हैं, आपका बन जाएगा तो फिर क्या? नहीं नहीं, मैं तमाम पार्टी संगठनों को एक करने निकला हूँ, वो एक करने का बीड़ा किसी को तो उठाना पड़ेगा। तो दिल्ली कब तक पहुँच पाएंगे? अभी समय निर्धारित नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूरा प्रयास है कि अभी तो उत्तर प्रदेश पूरा बचा है, आगरा पहला पहुंचे हम लोग, अभी प्रयास करेंगे कि तमाम जगह पहुंच के एक मॉब बनाए और नेताओं को मजबूर करें एकजुट होने के लिए। मैंने आपको क्या दे दिया है वादा, क्या वादा किया? समाज ने मुझसे ये वादा किया है जब जंतर मंतर हम दिल्ली पहुंचेंगे तो आप बड़ा हुजूम देखेंगे, और नेताओं के तमाम पार्टी संगठन के लोग उसमें शामिल होंगे, तमाम मैं उम्मीद करता हूं कि नेता भी उसमें शामिल होंगे जो चाहते हैं कि समाज एकजुट हो।